दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन वाइट होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए और एकदम ग्लोइंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसा सिर्फ हम चेहरे के लिए नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे पूरे शरीर की स्किन जो है वो एक जैसी होनी चाहिए और इसीलिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। लेकिन चेहरे तक तो ये किए जाने वाले प्रयास काफ़ी हैं, क्योंकि चेहरा एक बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारे शरीर का, जहाँ पर आप जो चाहे बहुत कम समय में कर सकते हो। लेकिन जब वही प्रयास हमें शरीर के पूरे शरीर के लिए करने पड़े सो डेफिनेटली ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और थोड़ा सा अफोर्डेबल भी नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारे शरीर की स्किन जो है वो काली पड़ती रहती है या उसमें दाग धब्बे आने लगते हैं, उसमें बहुत सारी और भी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। सो ऐसे समय में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि हमारे लिए ईजी हो और वो एक ही बार करने पर हमारे पूरे के पूरे शरीर पर एक साथ काम करता हो। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ बॉडी वाइटनिंग ड्रिंक के बारे में। अब आपको लगेगा कि सर ऐसा मुमकिन है? हाँ, ऐसा मुमकिन है अगर हम तरीके से काम करें। देखिए, स्किन को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्किन को अगर हम हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो हमें मेजरली तीन चीज़ों पर फोकस करना है। पहली चीज़ कि हमारी स्किन के अंदर, पूरे शरीर की स्किन के मैं बात कर रहा हूँ, पूरे शरीर की स्किन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो डेफिनेटली उसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी हमारी स्किन की कोशिकाओं को, उसकी वजह से हमारी स्किन को जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में मिलेंगे और स्किन के सेल्स धीरे धीरे रिजुविनेट करेंगे। उनके अंदर स्ट्रेस नहीं होगा, उनके अंदर किसी भी तरह के फ्री रेडिकल्स का साइड इफेक्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारी स्किन धीरे धीरे फेयर होना शुरू हो जाएगी। नंबर टू, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है वो साफ होना चाहिए। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारी आजकल की लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं और ये इम्प्योरिटीज़ हमारे शरीर में जितना भी हम खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब नहीं करने देती, जिसकी वजह से हमने खाया या नहीं खाया बात बराबर हो जाती है। सो दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है ब्लड प्योरिफिकेशन पर। एंड नंबर तीन, हमारी बॉडी में बनने वाले जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उन्हें हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर हमने फ्री रेडिकल्स कंट्रोल नहीं किए तो उनकी वजह से हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो समय से पहले डेप्रिशिएट कर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है, जो कलर है, वो डल होता चला जाएगा। सो अगर हमने इन तीनों चीज़ों पर फोकस कर लिया, नंबर वन हमें फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना है, नंबर टू हमारा ब्लड जो है वो प्योर होना चाहिए, एंड नंबर तीन हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपर मात्रा में हमारी पूरी स्किन के अंदर सर्कुलेट करना चाहिए, और यही तीनों चीजों पर आधारित है हमारी आज की ये स्किन वाइटनिंग या बॉडी वाइटनिंग ड्रिंक। इसके अंदर हम तीन ही इंग्रेडिएंट्स का यूज करेंगे और ये तीनों इंग्रेडिएंट हमें एक एक फंक्शन पूरा करके देंगे, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो रिजुविनेटेड नजर आएगी, हमारी स्किन जो है वो धीरे धीरे उसका कॉम्प्लेक्शन हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं इस ड्रिंक को बनाने के लिए चाहिए क्या क्या। पहली जो चीज़ जो इस ड्रिंक को बनाने के लिए चाहिए वो है बेस, मतलब पानी चाहिए। सो हमें यहाँ पर लगभग 2 ग्लास पानी ले लेना है। इसके अंदर हमें पहला इंग्रेडिएंट मिलाना है जो है सौंफ। मैं हमेशा कहता हूँ और बहुत सारे हमारे परिवार के 10 सदस्य फैमिली मेम्बर्स जानते हैं कि सौंफ मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। उसका रीज़न है क्योंकि जो सौंफ है वो ना सिर्फ हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है बल्कि उसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो भी फ्लश होते हैं और साथ के साथ में ये हमारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करने का भी काम करता है। सो लगभग 2 चम्मच हमें यहाँ पर सौंफ ऐड कर देनी है। सौंफ वही आम सौंफ है जो हम खाना खाने के बाद मुखवास की तरह इस्तेमाल करते हैं। सो 2 ग्लास पानी लिया है और इस 2 ग्लास पानी के अंदर हमने 2 चम्मच सौंफ डाल देनी है। नंबर दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इस पानी के अंदर ऐड करना है वो है छोटी इलायची। छोटी इलायची जो है उसके अंदर हमारे शरीर में बनने वाले जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको कंट्रोल करने की, उनको रेगुलेट करने की ताकत होती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं जो आकर के हमारी स्किन की एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, हमारी स्किन के सेल रिजुविनेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, उसको बहुत अच्छे से छोटी इलायची कंट्रोल कर लेता है। सो लगभग हमें 3 से 4 इलायची खोल लेनी है, उनके बीज भी डालने हैं, उसका जो बाहर वाला जो छिलका वाला हिस्सा रहता है वो भी हमें इस ड्रिंक के अंदर यहाँ पर डालना है।
नंबर तीन और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर डालना है वो है लौंग। लौंग हमें एक से ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि जो लौंग है उसकी तासीर गर्म होती है और लौंग का काम यहाँ पर होता है हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसके सर्कुलेशन को प्रॉपर करना। कहीं पर भी किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, किसी भी तरह का जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ये लौंग अपनी गर्म तासीर की वजह से उस पैसेज को, उस रास्ते को क्लियर करता है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉपर्टीज आपने अपने ड्रिंक में डाली है या जो न्यूट्रिशन आप अपने खाने से अपने ब्लड में डाल रहे हो वो सारे के सारे न्यूट्रिशन आपके शरीर की हर एक कोशिका को मिलना शुरू हो जाते हैं। अब इस दो ग्लास पानी के अंदर इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद आपको लगभग 5 से 7 मिनट इसे उबालना पड़ेगा, जब तक कि ये उबल करके आधा नहीं रह जाता है। जब ये 2 ग्लास पानी 1 ग्लास रह जाए तो अब आपको इसे छान लेना है और छान करके आपको इसके अंदर मिलाना है थोड़ा सा शहद। शहद जो है यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है, शहद यहाँ पर कंपल्सरी है क्योंकि शहद के अंदर ह्यूमक्टेंट्स होते हैं, मतलब कि वो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, हमारी स्किन को नमी देता है और वही चीज जो हमारी स्किन को नमी देती है उसी की वजह से हमारी स्किन में फेयरनेस आती है, हमारी स्किन में वाइटनिंग इफेक्ट आता है। सो वो लोग जो डायबिटिक हैं वो शहद अवॉइड करेंगे, लेकिन जो लोग डायबिटिक नहीं है उन्हें शहद जरूरी है यहां पर डालना ताकि आप इस ड्रिंक से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सको। अब आप अच्छे से इसे मिलाइए और मिलाने के बाद सुबह सुबह आप इस गर्म ड्रिंक का आनंद उठाइए। अब 3 महीने इस ड्रिंक को लगातार फॉलो कीजिए एंड आप देखेंगे कि आपके शरीर में बनने वाला जो मेलानिन है जो कि आपकी स्किन को कलर देता था, आपकी स्किन को डल दिखाता है, आपकी स्किन को डार्कनेस देता है, आपकी स्किन को अनइवन दिखाता है, वो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है और जैसे जैसे ये कम होने लगेगा आपकी स्किन में फेयरनेस आने लगेगी, आपकी स्किन इवन टोन होने लगेगी, आपकी स्किन में कहीं पर भी दाग धब्बे हैं, टैनिंग है, सनबर्न है, फ्रैकल्स है, वो सब कुछ कम होना शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ इफेक्ट आपके चेहरे पर नहीं आएगा क्योंकि आप इस ड्रिंक को इंटरनली ले रहे हो तो इसका असर सीधा सीधा आपके पूरे शरीर की स्किन पर आने वाला है। अब यहां पर कुछ टिप्स जो आपको साथ के साथ फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, मौसमी जितने भी फल आते हैं, जितने भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं, उसको रोज आपको कुछ मात्रा में शामिल करना चाहिए क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हम शामिल करते हैं इन सभी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे बुढ़ापे को रोकते हैं और हमारी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। नंबर 2, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, जब आप अपनी श्वास की प्रक्रिया को रेगुलेट कर लेते हो, आप कपालभाति कर सकते हो, आप भस्त्रिका कर सकते हो, आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, इनसे आपके शरीर के अंदर जितने हॉर्मोन्स हैं वो सब बैलेंस हो जाते हैं और हॉर्मोन्स जितने बैलेंस होंगे ना आपका स्किन उतना ज़्यादा हेल्दी, उतना ज़्यादा फेयर, उतना ज़्यादा ग्लोइंग होता है। एंड नंबर 3, आपको प्रॉपर मात्रा में नींद लेनी है। कम से कम 6, 6.5, 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए ताकि आपके शरीर का जो स्किन रिजुविनेशन प्रोसेस है या बॉडी रिवाइटलाइजेशन जो साइकिल है वो अच्छे से चलता रहे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे एंड इनका डेफिनेटली आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।